नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शैरन। एक तरफ लोकसभा के चुनावों की वोटिंग जो है वो लगातार हो रही है। देखिए, कल जो है वो तीसरे चरण की वोटिंग है और उससे पहले ममता बैनर्जी के पश्चिम बंगाल में जाकर दहाड़े हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और सीधे तौर पर ममता बैनर्जी के ऊपर साधा है निशाना। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बैनर्जी की सरकार और उनके मंत्री जो हैं वो संदेश खाली की एक वीडियो को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ सीधे तौर पर चुनौती देते हुए आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ये कहा है कि संदेश खाली के पीछे जो भी है हम उन्हें जेल के पीछे डालेंगे। और सभी को पता है कि आखिरकार ये संदेश खाली किसके द्वारा कराया गया, क्योंकि आपके लिए बता दें कि टीएमसी के नेता शेख जहां की पहले ही गिरफ्तार इस पूरे मामले में हो चुकी है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुद्दा उठाया संदेश खाली का, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बैनर्जी के ऊपर बड़ा प्रहार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज किया गया। दरअसल आज अमित शाह ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि ममता दीदी दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 15 दिनों से प्रचार कर रही हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि ममता दीदी आप 15 दिन नहीं बल्कि 15 साल भी आप दुर्गापुर में रह लीजिए, तब भी आप जो है वो यहां से बीजेपी को नहीं हरा सकती हैं। और ये मेरी चुनौती है आपके लिए कि आप दुर्गापुर नहीं जीत सकती। ये बड़ी बात जो है वो कही गई है। दीदी ने औद्योगिक शहर दुर्गापुर में अपराध का नया उद्योग जो है वो शुरू कर दिया है और इंडी गठबंधन ने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। दीदी के मंत्रियों के घर में 50-50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है और जिसमें से कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ बरामद किए गए थे। अमित शाह ने जहां एक तरफ ममता बैनर्जी के लिए खुली चुनौती दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे पाले में कांग्रेस को लेकर भी जो है वो हल्ला बोला है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जो है ये आश्वासन देने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल से जीतेगी और फिर एक बार ममता बैनर्जी और इसी के साथ कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखिए, एक तरफ लोकसभा की 30 सीटों को लेकर यह बड़ा बयान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने टीएमसी के गुंडों को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल यानी कि दुर्गापुर के लोगों से अपील करके कहा है कि आप यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और हम टीएमसी के गुंडों को जेल के पीछे डाल देंगे, जो कट मनी, टोला मनी या फिर केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई योजनाओं को पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र में आने नहीं देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कई मुद्दों को लेकर आज ममता बैनर्जी सरकार के ऊपर हमला जो है वो बोला है कि किस तरीके से ममता बैनर्जी पहले संदेश खाली मामले के ऊपर चुप्पी साधे बैठी थी और आज जो है वो एक वीडियो सामने आने के बाद ममता बैनर्जी के जो नेता मंत्री हैं वो तमाम नेता मंत्री जो है वो संदेश खाली मामले को लेकर चीजें बोल रहे हैं। और इसी बीच अगर हम बात करें आज गृह मंत्री अमित शाह की, तो एक तरफ उन्होंने वर्धमान में जाकर रैली की है, तो वहीं दूसरी तरफ कृष्णा नगर में चुनाव प्रचार करते हुए आज अमित शाह ने यह भी कहा है कि ममता बैनर्जी सरकार यानी कि ममता बैनर्जी को पहले से इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो इतने लंबे समय से संदेश खाली में महिलाओं को साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो आपकी पार्टी ने आखिरकार इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि ममता बैनर्जी को जाना होगा, भाजपा को बंगाल से जो है वो 30 सीटों से ज्यादा अधिक मिलेंगी। आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को
दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारा वर्धमान दुर्गापुर इंडस्ट्रियल टाउन था, मगर ममता दीदी के गुंडों ने यहां पर पूरा औद्योगिक वातावरण तहस नहस कर दिया। मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, दिलीप दा को जिता दो, वर्धमानपुर की बंद पड़ी हुई, दुर्गापुर की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये स्टील प्लांट है, अफवाहें फैलाते कि स्टील प्लांट बंद कर देंगे, मैं आज कहता हूं उल्टा, स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी करने वाले। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, यहां के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है, गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी। भाई और बहनों, ये इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दीदी ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है, अपराध का इंडस्ट्री। ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं कर सकता। ये जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, संदेश काली के अंदर इनके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने धर्म के आधार पर हमारी सैकड़ों बहनों पर अत्याचार करा। ममता दीदी इसको पकड़ने को तैयार नहीं थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करने पड़े, फिर भी जांच नहीं कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई को दिए। मुझे बताओ, इस शाहजहां है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मंत्री हो, आपके नाक के नीचे सैकड़ों मार चार बलात्कार हुआ, आपका पेट का पानी नहीं हिलता है। परंतु मैं आज बता देता हूं, संदेश खाली में जिसने अत्याचार किया है वो पाताल में भी छुप जाए, ममता दीदी उसको पाताल में भी छुपा दे, हम ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना आया हूं, आपने 18 सीटें दी, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, इस बार हमने 30 सीटों का लक्ष्य रखा है। मुझे बताओ दुर्गापुर वालों, 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? दिलीप दा को सांसद बनाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ,
विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और जोर से बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए सीधी सीधी बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज कही गई है कि जो संदेश खाली मामले को लेकर टीएमसी आज भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि ये तमाम चीजें जो है वो बीजेपी के द्वारा कराई गई हैं। तो जिस समय से संदेश खाली में इतनी सारी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, उनकी जमीनों को लूटा जा रहा था, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, तो आखिरकार ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी के प्रशासन ने इन तमाम लोगों के ऊपर एक्शन आखिरकार क्यों नहीं लिया। और वहीं एक वीडियो सामने आने के बाद जो है वो टीएमसी के नेता लगातार संदेश खाली मामले पर जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो सीधा सीधा हमला ममता बनर्जी के ऊपर साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी जी यहां से जीतने वाली नहीं है, और वहीं ये भी कहा है उन्होंने कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि संदेश खली में अत्याचार करने वाले चाहे जितनी भी गहराई में छुप जाएं पर हम उन्हें जेल के पीछे डाल के ही रहेंगे, उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये बड़ी बात कहकर जो है वो अमित शाह ने जनता का भरोसा वहां पर दिलाया है कि संदेश खाली जैसा मामला हो या फिर वो गुंडे हो जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं को नहीं आने देते हैं वहां के आम लोगों तक, इन तमाम लोगों के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कड़ा एक्शन जो है वो लेगी। देखिए एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर घुसपैठ को लेकर भी बड़ा आरोप जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, दीदी को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से तृणमूल वाले कटमनी चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इन तमाम चीजों को अनदेखा करने वाली जो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, अगर संदेश खाली को लेकर वो एक्शन नहीं ले रही हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि संदेश खाली मामले के साथ साथ काफी ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जो इन दिनों पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और वहीं बात करें पूरे इंडी अलायंस की तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य से एक के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है जिस पर गठबंधन जो है वो चुप्पी साध के केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। खैर देखना अहम रहेगा कि जनता का कितना भरोसा किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन जीत पाता है, क्योंकि रिजल्ट आने के दिन अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को आएगा लोकसभा का रिजल्ट और अभी वोटिंग जो है वो जारी है और 3rd चरण की वोटिंग कल देश में होने वाली है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।